हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस पसंद करने के लिए और मुझे अपना इतना सारा प्यार देने के लिए। तो आपको पता ही है कि अब थर्ड लॉकडाउन ख़त्म हो चला है और फोर्थ लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होने वाला है, बट कुछ परिवर्तनों के साथ वो लॉकडाउन आने वाला है। तो हम सारे सलून वाले लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि परिवर्तनों के साथ सलून खुलेगा और काफ़ी चेंजेस हो जाएंगे। जो पहले था वो उसमें काफ़ी बदलाव आ जाएगा, क्योंकि अभी हमें काफ़ी एहतियात बरतनी है और सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी और डालूंगी कि सलून खुलने के बाद हमें किस किस चीज़ों पे विशेष कर करके ध्यान देना है, ताकि कि हमारे जो ग्राहक हैं उनको भी तकलीफ़ नहीं हो, उनको भी किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो और हमारे स्टाफ को, हम लोगों को भी किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। बट आज मैं आपके लिए लेकर करके आई हूँ कि सलून खुलने के बाद जब हम थ्रेडिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि थ्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि हम बहुत नज़दीक जाकर करके करते हैं और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी किसी के करीब नहीं आना है, बहुत कम डिस्टेंस के साथ आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो आज मैं आपके लिए इसी से आधारित एक वीडियो लेकर के आई हूँ कि आप सलून खुलने के बाद किस तरह से अपने कस्टमर का आईब्रो थ्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम मास्क पहनेंगे चेहरे पे, क्योंकि जब आप सैलून में काम करेंगे तो आपके चेहरे पे मास्क रहेगा तो थ्रेड करने में मुश्किल होगा, क्लिप्स तो अंदर रहेगा। तो इस तरीके से मास्क डालने के बाद ये थ्रेड लेंगे, ये थ्रेड है जिससे आप सैलून में थ्रेडिंग करते हैं, ये है वो थ्रेड। और थ्रेड को हम अपने गले में यूं करके अपने डिस्टेंस के हिसाब से इसको नॉट बना लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखिए, ये नॉट बन गया। और अब आपको जितना डिस्टेंस चाहिए उस हिसाब से आप नॉट बना लीजिए और उसके बाद आप थ्रेड कीजिए। आप आराम से कर सकते हैं, इस तरीके से आप थ्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सलून खुलने के बाद अपने सलून में थ्रेडिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होने का कोई चांसेस नहीं है, किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत आराम से अपने कस्टमर का थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। आपको इस तरीके से नॉट बनाना है। आप अपना डिस्टेंस खुद देख लीजिए, आपको किस डिस्टेंस पे नॉट बनाना है। नॉट बनाने के बाद आप जैसे थ्रेडिंग करते हैं वैसे ही थ्रेड को लपेट कर करके और बस आपको इस तरीके से थ्रेड चलाना है, ये देखिए। और इस तरीके से आप आईब्रो अपर लिप जहाँ भी हो कर सकते हैं और आप अपने कस्टमर को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू सो मच।